पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव 2019 में होने वाले चुनाव में बिहार के महाराजगंज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, लेकिन हाल ही में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में खेसारी ने कहा, मुझे हर पॉलिटिकल पार्टी से ऑफर आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी राजनीति में आना नहीं चाहता। अगर मेरे दर्शक जो मुझे बेहद प्यार करते हैं, उन्होंने चाहा कि मैं अपने गांव महाराजगंज से चुनाव लड़ूं, तो मैं अपनी पत्नी चंदा को सीट से चुनाव जरूर लड़वाऊंगा और मैं अपनी पत्नी का पूरा सपोर्ट भी करूंगा। जब उनसे नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, मैं मोदी जी को बहुत मानता हूँ, वे जो भी कार्य कर रहे हैं वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों खेसारी आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के घर भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने राबड़ी देवी से मुलाकात की। अब कयास लगाया जा रहा है कि खेसारी लाल आरजेडी की सीट से अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा सकते हैं। बता दें कि अब तक खेसारी लाल यादव ने इस बात की पुष्टि भी नहीं की है। भोजपुरी जगत की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए बिहार अपडेट।